पहले ये कि तुमने चपली के घर में घुस के उसके बेटे यासिर को मारा। नंबर दो, तुमने उस पे इज्जत पे हमले का इल्जाम लगाया। नंबर तीन, तुमने निधा पे दबाव डाला कि वो झूठ बोले। नहीं बेटे, बताओ यासिर तंग करता है तुम्हें? बेटे बताओ, रास्ता रोकता है, बदतमीजी करता है? बताओ बेटे, वो ये सब करता है? तरीके से समझा दिया, उसे टेंशन ना लो। आप ओए बब्बर शाह, चुप कर जाए, चुप। अच्छा जी, आप रास्ता दो। सर मेरी बात हुई है निधा बेटी से? अच्छा जी, तो क्या कहा फिर निधा बेटी ने? वही जो तुम लोगों ने कहा कि यासिर उसे तंग करता है। और शाह जी, मैं तो आपको पहले कह रहा था ये एक नंबर का गुंडा है, ये बड़ा ना। वो मैं हूं, इस इलाके में सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं, और ये तुम लोग भी जानते हो। देखो कारोबारी, मेरे हिसाब से बनती हैं तुम्हारी तीन गलतियां। पहले ये कि तुमने चपली के घर में घुस के उसके बेटे यासिर को मारा। नंबर दो, तुमने उस पे इज्जत पे हमले का इल्जाम लगाया। नंबर तीन, तुमने निधा पे दबाव डाला कि वो झूठ बोले। अब सीधी तरह बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? शायद सीधी बात यह है कि ये छुप छुप के मिलता है मेरी बेटी से, मुझे पसंद नहीं है। अगर ऐसा था तुम सबसे पहले अपनी बेटी को समझाते। अगर वो मान जाती और फिर भी ये ना रुकता तो इसके बाप से कहते कि इसे रोके। अगर ये बाप के कहने पे भी ना रुकता तो मैं बैठा हूं ना, टांगे तोड़ देता मैं इसकी। अगर तुम खुद चले फैसला कर ले। अब अगर चपली ये कहे कि इनकी बेटी मेरे बेटे को छुप छुप के मिलती है, फिर अब वो बंदे लेके आपके घर में घुस के उसे मारना शुरू कर दे, घूरने से कुछ नहीं होगा। इस मसले का हल निकालना है। देखिए जीवन नगर हफ्ता रात 8 बजे। एक झूठी लव स्टोरी 25 दिसंबर से वीर और मंगल रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।